विश्व शांति प्रसंगे एकाठी हेले विश्वशक्ति गोटे मंच में मोदी जिनपिंग पुतिन रूस नेतृत्व में आयोजित हो द्वादश ब्रिक्स सम्मेलन भर्चुआल सम्मेलन में जोगद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपर आलोचना कर प्रधानमंत्री मोदी तांको संबोधन में कहते जे विश्व शासन विश्वसनीयता एवं कार्यकारिता उपरे प्रश्न उठी यार मुख्य कारण हेउछि समय सहित सेमाने सठिक परिवर्तन करिनाहंति एहा 75 वर्ष पुराणा विश्व मानसिकता एवं वास्तवता उपरे आधारित जातिसंघ सुरक्षा परिषद रे परिवर्तन अत्यंत अनिवार्य बोली भारत विश्वास करे एही प्रसंग रे आमे ब्रिक्स सहयोगीक सहयोग आशा करूछु। योर एक्सलेंसी राष्ट्रपति रामाफोसा, योर एक्सलेंसी राष्ट्रपति बोल्सोनारो, सबसे पहले मैं ब्रिक्स के सफल संचालन के लिए राष्ट्रपति पुतिन को बधाई देता हूं। आपके गाइडेंस और इनिशिएटिव की वजह से वैश्विक महामारी के समय में भी ब्रिक्स अपनी गति को बरकरार रख पाया है। एक्सलेंसीज, इस साल के समिट का थीम ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ प्रासंगिक तो है ही किंतु दूरदर्शी भी है। विश्व में महत्वपूर्ण जियो स्ट्रेटेजिक बदलाव आ रहे हैं जिनका प्रभाव स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और ग्रोथ पर पड़ना और पड़ता रहेगा और इन तीनों क्षेत्रों में ब्रिक्स की भूमिका अहम होगी। अन्यपटे लद्दाख सीमारे उत्तेजना भितरे द्वितीय थर पर विश्व मंच में भर्चुआल मोड में सामनासामनी होती मोदी एवं जिनपिंग प्रधानमंत्री मोदी कहते जे जातिसंघ व्यतीत अन्य अनेक अंतर्जातीय अनुष्ठान सांप्रतिक वास्तवता अधीन काम करूना डब्ल्यूटीओ आईएमएफ डब्ल्यूएचओ परी संस्थागुड़िक उन्नति करबा उचित। यूएन के एक संस्थापक सदस्य के रूप में भारत मल्टीलेटरलिज्म का दृढ़ समर्थक रहा है। भारतीय संस्कृति में भी पूरे विश्व को एक परिवार की तरह माना गया है, अतः हमारे लिए यूएन जैसी संस्था का समर्थन स्वाभाविक था। यूएन के मूल्यों के प्रति हमारा कमिटमेंट अडिग रहा है। पीस कीपिंग ऑपरेशंस में सबसे अधिक वीर सैनिक भारत ने ही खोए हैं, किंतु आज मल्टीलेटरल सिस्टम एक संकट के दौर से गुजर रहा है। ग्लोबल गवर्नेंस के संस्थानों की क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस दोनों पर ही सवाल उठ रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि इनमें समय के साथ उचित बदलाव नहीं आया। ये अभी भी 75 साल पुराने विश्व की मानसिकता और वास्तविकता पर आधारित है। भारत का मानना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स बहुत ही अनिवार्य है। इस विषय पर हमें अपने ब्रिक्स पार्टनर्स के समर्थन की अपेक्षा है। यूएन के अतिरिक्त कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी वर्तमान वास्तविकताओं के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ जैसे इंस्टीट्यूशंस में भी सुधार होना चाहिए। आतंकवाद संपर्क में प्रधानमंत्री मोदी कहते आतंकवाद आज विश्वर सबुठ बड़ समस्या। आतंकवादी को समर्थन करुवा तथा साय करुवागुड़ एकघरिका करने उचित द्वारा यह समस्या समाधान हो पार। एक्सलेंसीज, आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए।
और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। हमें खुशी है कि रूस की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत इस कार्य को अपनी अध्यक्षता के दौरान और आगे बढ़ाएगा। ब्राजील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका एही पांचोटी देश को नहीं ब्रिक राष्ट्र समूह वार्षिक सम्मेलन रे एथर विषय वस्तु रही विश्व स्थिरता, प्रतिरक्षा सहभागिता एवं विकास। अन्यपटे आगामी 2021 त्रयोदश ब्रिक्स सम्मेलन को आयोजन करिबो भारत। तेबे एहा पूर्वरु चलित मास रे पुणी G20 सम्मेलन रे एकाठी जोग दे पारंती मोदी और जिनपिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।